और पिछले 36 वर्षों से जामताड़ा के 10 गांवों को डीवीसी मैथन द्वारा किसी तरह का सहयोग नहीं मिलने के मामले को लेकर जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी कंबाइंड बिल्डिंग मैथन पहुंचे, जहां उन्होंने डीवीसी मैथन के प्रोजेक्ट हेड अंजनी कुमार दुबे से मिलकर समस्या से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि जमीन हमारी, पानी हमारा, फिर भी डीवीसी यहाँ के लोगों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। डीवीसी के नियमानुसार 10 किलोमीटर के अंदर पड़ने वाले सभी गांवों को सीएसआर के तहत सुविधा पहुंचाना है, परंतु जामताड़ा के 10 गांव जिन्होंने डीवीसी को जमीन दिया, बावजूद आज तक डीवीसी ने उन्हें कुछ भी नहीं दिया। सदन में मैंने क्वेश्चन किया था और इस पर काफी डिबेट भी हुआ था, बहस भी हुई थी, और सरकार ने ये निर्णय लिया था कि मैथन के चेयरमैन के साथ रांची में विधायक जी की बैठक होगी और जो भी वार्ता है आप कर लीजिएगा, अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है तो फिर सरकार एक्शन लेगी। और मेरा जो मांग है, देखिए आज जब से मैथन बना है सबसे ज्यादा अगर कोई शोषित हुआ है जमीन देने के बाद तो मेरा विधानसभा जामताड़ा है। विस्थापित लोग कई बार आवाज उठाते हैं, उनकी कोई सुनता नहीं है। अल्लाह कर करके कितना विस्थापित लोग, हमको लगता है आज जिंदा भी है, होंगे कि नहीं होंगे इसी मुझे चिंता सता रही। तो ये नहीं होना चाहिए। आप देख लीजिएगा कि जो नदी के इस पार निशा है, इधर जो फंड है डीवीसी दे रही है ना, बंगाल सालनपुर में, आप बंगाल में आप खर्च कीजिएगा, जमीन मेरा, डूबा जमीन हमारा, जमीन भी आपने एक्वायर कर लिया और हक आप नहीं दे रहे हैं। आप बताइए, कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तब आप केवल शोषण करें, खाली बकाया देखिए, आप आंख दिखाते हैं, पेमेंट नहीं, पेमेंट लाइन कर देते हैं। जब आप जमीन ले रहे थे तो अपने साहब का क्या, हम रोजगार देंगे आसपास के जितने एरिया जहाँ पे जो 9 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर, उसके तहत हम मुफ्त में बिजली देंगे, हेल्थ की व्यवस्था हम कराएंगे, एजुकेशन देंगे, लेकिन चले जाइए आप कहीं कुछ नहीं। देखो, मैं सदन में मैंने क्वेश्चन किया था और इस पर काफी डिबेट भी हुआ था, बहस भी हुई थी, और सरकार ने ये निर्णय लिया था कि